तो लो भाई, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्ट्रीट फूड जायका में। तो गाइज, आज हम लोग आए हैं बोरीवली LT रोड ऑपोजिट आभूषण। गाइज, ये है ज्वेलरीज, यहाँ पे देख सकते हो, ये है डायमंड हॉल यहाँ पे। ये अब ये तो बता दिया, अब ये भी बता देता हूँ कि हम लोग क्या करने और क्या खाने आए यहाँ पे। गाइज, यहाँ पे एक है फ्रेंकी का स्टॉल और यहाँ पे मिलते हैं सैंडविचेस वगैरह, काफ़ी पुराना स्टॉल है। तो अंकल, आपका नाम? मिलिन। मिलिन, ओके। तो मैंने सुना था कि काफ़ी पुराना है आपका स्टॉल, है बहुत साल हो चुके, तो आप ही बता दीजिए कि कितना टाइम हो गया आपके स्टॉल को। तो भी नहीं, 29 साल हो गया। 29 ईयर्स हो चुके हैं गाइस। और यहाँ पे क्या क्या मिलता है, जैसे कि फ्रेंकी वगैरह, आप बताइए क्या क्या मिलता है? फ्रेंकी सैंडविच, हाँ, और चीज़ फ्रेंकी, पनीर फ्रेंकी। ज़्यादा क्या सेल होता है? ज़्यादा अपना खाली वेज और सेजवान और मंचूरियन नूडल चीज। अच्छा, और आपका टाइमिंग है, आप कब लगाते हो और बंद कब करते हो? सवेरे 10 बजे से स्टार्ट होता है। ओके, और बंद कितने बजे करते हो? रात को 10 बजे तक। तो गाइस, देख सकते हो 29 इयर्स हो चुके हैं और सुबह 10 से रात में 10 बजे तक ये स्टॉल लगता है बोरीवली LT रोड पे। अभी बन रहा है वेज फ्रेंकी, जो कि अंकल का कहना है कि ज़्यादा जाता है, यानी कि फेमस है, लोगों को पसंद आता है। तो मैं भी वही टेस्ट करूँगा, ये देखिए। ये क्या अंकल, घी है? बटर। बटर, ओके। अमूल बटर? अमूल बटर, ओके। हाँ, स्टार्ट कीजिए, आप बनाइए अपने तरीके से जैसा बनाते हो आप। और वो क्या एंगल, वो आलू की भाजी है क्या? आलू का पेटी। ओके, और ये रेडीमेड रोटी रहती है फ्रेंकी की? ओके, तो फिर भी अंकल, एक दिन में कितनी फ्रेंकी चली जाती है आपकी? 150। 150 मतलब जाती है कम से कम। ओके, और सैंडविच वगैरह भी जाता ही रहेगा? हाँ, सैंडविच भी जाता है। ठीक है, तो गाइज मुझे तो ज़रूर बताना कि कौन कौन खाता है फ्रेंकी और किस किस को पसंद है फ्रेंकी। उनकी रोटी गरम हो चुकी है। ये क्या अंकल? सेजवान चटनी। सेजवान चटनी, ओके। बोले कौन सा मसाला अंकल? ये चाट मसाला। चाट मसाला, फ्रेंकी मसाला। और ये रेडी हो चुका है? हो गया फ्रेंकी रेडी। अरे वाह, बोलिए मैम। अब ये रहने दो। तो गाइज, ये देखिए अभी दूसरी डिश, दूसरा आइटम बन रहा है। तो अंकल, क्या चीज़ है ये? मंचूरियन चीज पनीर मेयोनीज फ्रेंकी। मंचूरियन चीज पनीर और नूडल फ्रेंकी। फ्रेंकी, ओके। तो देखते हैं कैसा बनता है। बोलिए सर। ये देखिए गाइस, नूडल्स, मंचूरियन भी जाएगा अभी इसमें। गाइस देख सकते हो, अभी जा रहा है मंचूरियन। अंकल, ये किस चीज़ का है मंचूरियन? कैबेज। कैबेज को फ्राई किया है, ओके। और गाइस देख सकते हो, कस्टमर्स भी खड़े हैं यहाँ पे काफी।
इस पर वापस से जा चुका है शेजवान चटनी। और ये चाट मसाला, और ये मंचूरियन नूडल सब मिक्स है गाइस। और ये देखिए चीज, वाओ बाप रे, फुल टू भर के। ये देखिए तो गाइस चलिए टेस्ट करते हैं इनका फ्रेंकी, देखते हैं कैसा टेस्ट है। ये सादा फ्रेंकी है जो कि है 25 रुपीस का, और इसमें इन्होंने डाला है कांदा गोभी और आलू की भाजी, यानी कि जो आलू का पैटी थी ना वो। देखते हैं इसका टेस्ट क्या बोलता है। तो अंकल सबसे ज़्यादा यही जाता है आपका, अच्छा टेस्ट, सिंपल सी फ्रेंकी है इन शॉर्ट। तो गाइस बोरीवली स्टेशन के पास एलटी रोड यानी कि लोकमान्य तिलक रोड पे 25 रुपये का फ्रेंकी, जो कि अंकल का कहना है ज़्यादा जाता है, और टेस्ट भी सीरियसली गाइस बहुत अच्छा है, 25 रुपीज़ के हिसाब से बहुत अच्छा है, अच्छी फ्रेंकी है। और यार अभी तो हो चुकी है रात, यानी कि 11 बज रहे हैं। अंकल का कहना है कि दोपहर में अगर आप आओगे तो बात करने की फुर्सत नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे क्लासेस है, उसके बच्चे यहाँ पे बहुत आते हैं। अंकल क्या नाम है क्लासेस का? अच्छा, लेकिन यहाँ पे क्लासेस है जो कि यहाँ के बच्चे बहुत आते हैं। तो यार अभी मैं दूसरी फ्रेंकी ट्राई करूँगा चीज़ वाली, ये तो अच्छी है। लो अंकल दो दूसरी वाली। हाँ ये लो, ये रखो, ये देखो गाइस चीज़ तो इसमें एकदम भर भर के डाला है अंकल ने, कहाँ से बाइट मारो। इसमें गाइस चीज़ है, मंचूरियन है, नूडल्स है, यानी कि हर तरीके के जो इनके पास वेजीज है सब इसमें इन्होंने डाल दिए। और गाइस ये है 50 रुपीज़ की, साइज़ देख सकते हो, देखो 50 रुपीज़ की। चलो इसमें दम है, ये फ्रेंकी बेस्ट है गाइस, ये अच्छी लगी मुझे। 50 रुपये में और क्या चाहिए, 300 से 350 ग्राम तो होगी इजीली। ये मस्त है। तो गाइस जो कोई भी है यहाँ पे नियर बाय टेस्ट करना चाहे तो अंकल के स्टॉल पे आ सकता है। 29 इयर्स हो चुके हैं यार, काफ़ी लोगों ने खाया भी होगा अंकल के हाथ की फ्रेंकी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, एक बाइट और। तो गाइस वीडियो अगर पसंद आया चटका लगा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।